Bismillahirrahmanirrahim. Today is my fifth lecture. Welcome to you people. आज का इंट्रोडक्टरी मैथड का जो इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो है सेट. आज पहले मैं सेट से फिर गपशप भी करेंगे. बोर्ड मेरे पास है. आई विल ट्राई कि हर चीज बोर्ड पे अब एक्सप्लेन करूं. सेट मुख्तलिफ अशिया के मजमुओं को सेट कहते हैं. अब मुख्तलिफ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठा हूँ. ये चेयर है. दिस इज सी. इस चेयर को मैं सी कहता हूँ. सर्टनली स्मॉल सी. ये आगे एक बेंच पड़ा. इट्स ए स्मॉल बेंच. कुछ पेपर पड़े हैं. इट्स ए स्मॉल पेपर. पी से मैंने नोट किया. ये तीन चीजों का मेरे पास सेट है. ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अच्छा डिफरेंट थोड़ी सी इसमें चीज याद रखें कि बड़ी वाजे डिफरेंट होनी चाहिए. बड़ी चनाचे सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. बल्कि इससे ज्यादा लफज डिस्टिंक्ट आप कहें ना तो डिस्टिंक्ट में जरा वाजे हो जाता है कि बिल्कुल मुख्तलिफ है. तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. अब बड़ा सिंपल है. सेट के एलिमेंट आपने लिख दिए एक दो तीन. अब ये सेट अभी नहीं बना. सेट बनाने के लिए जरूरी है कि इन एलिमेंट्स को आप लिखें और ये एक दरमियानी ब्रैकेट होती है. ये दोनों तरफ डाल लें. नाउ इट बिकम्स अ सेट. यानी कुछ जो चीजें आपने रखी हैं उन चीजों को आप दरमियानी ब्रैकेट पे अंदर एनक्लोज कर दें तो दैट बिकम्स अ सेट. अच्छा सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं. सी इसका मेंबर है. सी इसका पॉइंट है. ठीक है. तो ये सारे जो मेंबर कह लें पॉइंट कह लें तो ये जो एलिमेंट कह लें तो तीनों में से कोई लफ्ज भी यूज कर लें तो तीनों चीजें जो है ना वो इसमें बंद है. तो एलिमेंट्स हमेशा छोटे लेटर से नोट करते हैं. जो सेट है इसको कोई नाम दे दें कि ये सेट ए है. तो ए इज ए सेट having three elements, three distinct elements. कौन कौन से? एक चेयर है, एक बेंच है और एक पेपर्स का सेट है. तीन चीजों का सेट जो है this is A. अच्छा बात बात ये होता है कि मेरे पास चार कुर्सियां पड़ी हैं. आई से कि ये चार कुर्सियां. तो ये चार कुर्सियां मैंने कहता हूं कि आई हैव गॉट अ सेट B. सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से नोट. So this is B. It has got one chair, second chair, third chair and fourth chair. ये मैंने चार chairs. मैं कहता हूँ ये मेरे पास चार chair पड़ी हैं. इनका set है. लेकिन इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा चार मुख्तलिफ हैं. Set is a collection of different objects. कहूँ ये तो एक ही C नजर आ रहा है बार बार. तो जब आप इस तरह इंडिकेट किया तो सेट के लैंग्वेज में चार नहीं है. दिस विल बी रॉन्ग. इसे सिर्फ सी लिखा जाएगा. ओनली सी. दिस इज सी ओनली. एक चेयर. मगर आप बजीदा कि ये चार हैं मैं क्या करूं. अब चार हैं तो आप बताएं कि कैसे चार हैं. एग्जांपल यही था. ये मैंने जो काटा है मैं इसे फिर बहाल कर रहा हूं. तो मैं कहता हूं कि ये पहली चेयर है, ये दूसरी चेयर है, ये तीसरी चेयर है, ये चौथी है. अनमरेट कर दें, लेबल कर दें, टैग लगा दें. यानी कहीं शो तो हो कि ये दो चार मुख्तलिफ है. ना कि अब ये C1, C2, C3, C4, दिस इज. अब ये इस तरह नहीं कंसिडर होगी. अब ये चार मुख्तलिफ चेयर्स कंसिडर हो रही हैं. तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो इट्स एलिमेंट्स, इट्स मेंबर, इट्स पॉइंट्स आर डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स. And set itself is denoted by capital letters. जैसे कि मैंने ए बी सी दरमियान में आ गया और जो सेट मैंने नोट करना है दैट इज ए बी सी. इस तरह बड़ी बड़ी चीजों से नोट होगा. अब अगली डेफिनेशन जो है मेरी अगली डेफिनेशन बड़ी बड़ी सिंपल है. सबसेट. अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हो
वो पहला सेट जो होता है वो दूसरे का सबसेट कहलाता है। फिर गौर करें, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट नेम इट एज ए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए आर आल्सो मेंबर्स ऑफ अनदर सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, डिनोटेड बाय ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। सबसेट किसी सेट के अगर तमाम एलिमेंट दूसरे में आ जाए तो वो उसका सबसेट होता है। अब मैं थोड़ा सा फिर इसे लबरेट थोड़ा सा बयान करूं। ये आपके पास, आप यही कहते हैं कि ये आपके पास है सेट एक्स, इसके एलिमेंट है वन और टू, ये दो एलिमेंट है, इसका वन एक सबसेट हो गया, टू इसका सबसेट हो गया। यही डेफिनेशन है किसी सेट के तमाम एलिमेंट इसमें, ये जो सेट मैंने लिया है इसके तमाम एलिमेंट इसमें हैं, सबसेट हो गया। ये सिर्फ टू है, ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, इट इज ए सबसेट। चुनाचे ये वन टू अगर लिखूं तो ये भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, सो इट इज आल्सो ए सबसेट, इट इज आल्सो ए सबसेट। अब इसमें फर्क क्या है कि ये वो दो एलिमेंट्स हैं, ये दो वो सबसेट हैं जिनके एलिमेंट्स की तादाद असल सेट से कम है, लेकिन ये वो सबसेट है जिसके एलिमेंट्स की तादाद बराबर है। चनाचे जिनकी तादाद बराबर हो और जिनकी कम हो, इन्हें हम अलग अलग कर देते हैं। कैसे कि इसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है। तो हर सेट अपना सबसेट होता है, तो जो अपना सबसेट होता है ना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, बाकी सारे सेट इम्प्रॉपर, सारे सेट प्रॉपर सबसेट होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज देखें, इसके एलिमेंट्स की तादाद इससे कम है, तो एक लेस देन के आप कहते हैं सिक्स इज लेस देन सेवन, तो इनकी तादाद कम है थोड़ा सा, इसे यही आइडिया है बेसिकली, इसे हम घुमा देते हैं। कैसे कि हम कहते हैं ए हैज लेस एलिमेंट्स देन बी, वो छोटे वाली डेफिनेशन मैंने रिपीट कर दी, ए इज लेस देन बी की बजाय ए हैज लेस एलिमेंट्स देन बी। लेकिन जब ये सेट आया तो बराबर है, इसका मतलब है देयर इज चांसेस कि जो सबसेट हो उसके एलिमेंट छोटे हो और बराबर भी हो सकते हैं। तो टू कवर द सेम प्रॉपर सेट वी एड दिस लाइन हियर, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इट इंक्लूड्स प्रॉपर इम्प्रॉपर बोथ। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये छोटे सेट इंडिकेट करने हो तो आप कहते हैं ए इज इम्प्रॉपर सेट ऑफ बी, दे ये इम्प्रॉपर सेट, ये सॉरी ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। और अगर ए इज इक्वल टू बी आ जाए, ये जो आखिरी है, तो देन ये इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए हम इक्वल का निशान हटा देते हैं अगर कहीं जरूरी हो, आमतौर पे हम यही निशान इस्तेमाल करते हैं, ये जो लेस ये वाला जिसमें इक्वल भी साथ होता है। लेकिन पर्टिकुलर बात जगह जहां हम शो करना हो कि नहीं ये वो सबसेट है जिसके एलिमेंट की तादाद कम है, तो हम इसमें यूज करते हैं। तो ये सबसेट है, एक और सबसेट है, वो आप कहते हैं कि इस सेट हैविंग नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है उसमें, दैट इज कॉल्ड नल सेट। बड़े जी भी आप कहेंगे कैसे, ये मेरे पास एक बर्तन है, मैं उसमें हाथ डालता हूँ, ऐसे करके हाथ डाला, आई हैव गॉट वन थिंग आउट ऑफ दैट। मैं कहता हूँ आई हैव गॉट अ सेट ऑफ वन एलिमेंट, दैट इज मार्कर। फिर मैं ऐसे हाथ डालता हूँ, दो चीजें आ गई, आई हैव गॉट टू पेजेस, पेज वन पेज टू एंड ए मार्कर, आई हैव गॉट एन एलिमेंट ऑफ थ्री सेट। फिर मैंने ऐसे हाथ डाला, नीचे था ही कुछ नहीं, तो जब बाहर हाथ बाहर निकाला तो दैट इज नल सेट। बड़ी सिंपल सी बात कि सेट हैविंग नो एलिमेंट, और इसका आइडिया मुल्ला नसीरुद्दीन का मशहूर है ना, कि अकबर बादशाह अपने मशीरों के साथ गया, तो वो बड़ा हाजिर जवाब था, तो वो परेशान था कि इसे किसी तरह थोड़ा सा शर्मिंदा किया जाए। उसने बाग में फिरते हुए कहा, यार इस तालाब में सुना अंडे होते हैं, जो बंदा जाता है अंडा ले आता है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल होते हैं अंडे, उन्होंने दो तीन रखे हुए थे, एक गया अंडा ले आया, दूसरा ले आया, जब अंडे खत्म हो गए
तो मौला ने सिरुद्दीन को दावत दी कि जाओ तुम भी अंडा लेके आओ। उसने छलांग लगाई, अंडा था ही नहीं, कहाँ से लाता। बाहर आके उसने अजान देनी शुरू, कहता जी अंदर नलछट था, मैं क्या करता, मैं मुर्गा हूँ, अजान देनी शुरू कर दी, ये मुर्गियाँ थी अंडे देती गई हैं। तो वो उसे नलछट मिला, इसलिए ही केम बैक और उसने फिर अछूती सी हरकत की। तो बड़ा सिंपल है, ये हो गया। तो नलछट ये सेट को हम किस सेट नोट करते हैं, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट डाल दें, इसके अंदर कुछ ना लिखें, इट इज नलछट। इसके अंदर कुछ लिख देंगे ना, कोई डॉट भी डाल देंगे, तो देन इट इज सेट कंटेनिंग दैट डॉट। अच्छा, इसका सब्स्टिट्यूट, इसका अल्टरनेट, ये नहीं आप लिखना चाहते तो आप ये लिखते, दिस इज इक्वल टू फाइव। फाई भी एक ही चीज है, फाई या दो ब्रैकेट खाली एक ही चीज है। बाज लोग करते हैं कि ये डाल के इसके अंदर फाई लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट एंड दैट इज फाई। तो जब आपने नल सेट लिखा है ना, तो उसके अंदर आपने कुछ नहीं डाला, दैट इज सिंपली ब्रैकेट हैं दो खाली। अभी मैंने सेट लिखा था ही, जिसके दो एलिमेंट थे वन और टू। अब इसके सबसेट्स आर, एक वन है, एक टू है, एक वन टू है। अच्छा, ये नल सेट है ना, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक में साथ शामिल हो जाता है, ये सभी का सबसेट है। चुनाचे इसके एक दो तीन चार सबसेट हो गए। तो किसी भी सेट के एलिमेंट्स की जो तादाद होती है, फॉर एग्जाम्पल एक सेट के एलिमेंट्स की तादाद है ना, तो इसके जो सबसेट्स हैं उनकी तादाद 2n होगी। फॉर एग्जाम्पल इसके एलिमेंट कितने हैं, 2 2 पावर 2 4, तो देखें 1 2 3 4। इसी तरह 1 2 3 आ जाता है, तीन एलिमेंट है, 2 पावर 3, दैट इज उसके सबसेट की तादाद 8 होगी। वो आप चेक कर लें, करके ना 1 2 3 डालें, उसके बाद 1 इसका सेट, 2 3, ये तीन सबसेट हो गए सिंगल सिंगल, फिर 1 2 2 3 1 3, ये 6 हो गए, 3 वो 3 ये, 7वां सेट इटसेल्फ और 8वां नल सेट, 8 हो जाएंगे। तो किसी भी सेट की तादाद अगर n हो एलिमेंट्स की, तो उसके सबसेट की तादाद हमेशा 2^n होती है। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि ये सेट और ये सेट दोनों बराबर है। ये सेट क्या था, ये वो इसका सबसेट है जिसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो सबसेट हो गया। अब अगर मैं दो सेट लूं, एक है ए इज इक्वल टू ए बी, दूसरा है बी, इससे भी मैं ए बी लेता हूं। अब अगर हम डिस्कस करें तो हम कहेंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ, ए बी का सबसेट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो है ना, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, इसका मतलब बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए एंड बी आर इक्वल। ये इक्वल सेट की डेफिनेशन है कि अगर ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो दोनों इक्वल सेट्स होते हैं। अच्छा, अब ये सेट था 1 2, इसके टोटल 4 सबसेट आए। इन सबसेट्स को मैं एक सेट में लिख लेता हूं, इसे एक कंप्लीट सेट में, इस सेट के एलिमेंट है ये सेट, ये सेट, ये सेट, ये सेट, तो ये एक नया सेट बन गया जिसमें सारे सबसेट आ गए ए के। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, और इसे पी ए से नोट करते हैं। चुनाचे ये पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 then 2 then 1 2 and then 5, ये 4 उसमें एलिमेंट आ गया। तो पावर सेट is the set of all elements of a set A, एक universal set है। universal set का मतलब है ऐसा set जिसमें सारे element आ जाए, इसे U से denote करते हैं,
कैपिटल यू सही से डिनोट करते हैं। अब सारे सारे तो कभी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट्स का सेट है, तो मैं इस वक्त आपकी क्लास से रहूँ तो आपकी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो यूनिवर्सल सेट है, उसमें लिमिटेड नंबर है कितने 37 या 38 या 40 अबाउट इतने बच्चे हैं। इसे फैलाना नहीं है, यूनिवर्सल सेट को मैं फैला दूँ तो पूरी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, पूरे लाहौर में बच्चे हैं, पूरे पाकिस्तान में बच्चे हैं, पूरी दुनिया में बच्चे हैं, तो वो तो स्टूडेंट ख़त्म ही नहीं होंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सेट अप ऑल एलिमेंट्स, ब्रैकेट में छोटा सा लिख ले अंडर कंसिडरेशन या अंडर डिस्कशन, ठीक है ना, तो सेट अप ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल इस कमरे के हिसाब से मैं यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूँ, तो इस कमरे में मेरी को 2,500-3,000 किताबें हैं, 2,000, ठीक है जी, दोज बिलोंग टू दिस, ये मेजें हैं, कुर्सियाँ हैं, बोर्ड है, मैं खुद बैठा हूँ, ये सारे सारे पंखा लगा है, लाइट्स लगी हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना दोज बिकम्स ए पार्ट ऑफ, लेकिन मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊँगा। यूनिवर्सल सेट मीन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो अंडर डिस्कशन है, जो अंडर कंसिडरेशन है, उससे दाएं बाएं नहीं आपने चलना, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अच्छा, अब मैं आऊँगा आगे, यूनियन, दो सेट है मेरे पास, दो मुख्तलिफ सेट है। फॉर एग्जाम्पल एक है मेरे पास A is equal to 1, 2, 3, and then there is another set B, it is 3, 4. ये मैं छोटे छोटे सेट ही ले रहा हूं, आसान रहेगा। ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए वो यूनियन कहलाता है। ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए, A के भी B के भी, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ इट। और ऐसा सेट जिसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आए, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो बड़ी सिंपल सेट, ये जो यूनियन है उसे ए कप बी से नोट करते हैं, दिस इज कप, इसे यूनियन कहते हैं। और इंटरसेक्शन जो है इसे कैप से नोट करते हैं, ये कैप से डिनोट होगी, कप जो ऐसे ऊपर उठा वो यूनियन है, और कैप दैट इज इंटरसेक्शन। तो मैंने कहा ना कि सारे एलिमेंट जिसमें आ गए तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब इसमें अब सारे एलिमेंट आपने लिखने हैं, ए के भी बी के भी, ए के थे 1, 2, 3, बी के थे 3 और 4, मैंने सारे के सारे लिख लिए, सारे एलिमेंट यूनियन हो गए। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बॉक्स आ गया, सेट की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ अशिया के, इसमें कोई चीज रिपीट नहीं हो सकती, दो दफा नहीं आ सकती, तो इसमें 1, 2 ये 3 दोनों में था इसलिए दो दफा आ गया, तो एक को मिटा दो, इट इज 1, 2, 3, 4 ओनली, तो दिस इज यूनियन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 ओनली। तो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ, और बोथ जो है ना आमतौर पर मैथमेटिक्स में हम नहीं बोलते, सिर्फ ये कहते हैं विच आर इन ए और इन बी, सिंपल आपका यूनियन हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड इन बी, अब कंपल्शन है एंड आ गया, यहां कंपल्शन आ जाती है लाजमी दोनों में हो, तो हम कहते हैं विच आर इन ए एंड इन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि एक सेट को बयान करने के 3 तरीके हैं। मैं आप किसी भी सेट को बयान करने के 3 तरीके, एक तो यह है कि मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ये छोटे छोटे में तो आसान है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखना हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट हैं,
उनके नाम लिखूंगा तो कितने बच्चे बाहर जाएंगे, इतना हिसाब ही नहीं, खाते बन जाएंगे बड़े लंबे चौड़े। तो पहला तरीका तो ये है जो पूरा खाता आप बना देते हैं एक एक को खोल के, ये है ये है ये है सारा, दिस इज कॉल्ड, जैसे टेबल पे हर चीज रखती है तो सो इट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, कि ये आपने लिखा है 1 2 3 4, ये 10 नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, एक मेंबर है, तो ये पहली है टेबुलर फॉर्म, इसे आप कहेंगे टेबुलर फॉर्म। मैं सिर्फ टी और आप जरा नोट करते जाएं और लिखें, दिस इज टेबुलर फॉर्म, साथ साथ कागज पे नोट करते जाएं, दिस इज टेबुलर फॉर्म। दूसरा ये है ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये मैंने क्या किया डिस्क्राइब कर दिया सिंपल, कोई सेट कौन सा है जिसमें पहले 10 नंबर है, चुनाचे उसी वाले से, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डी एफ मैंने लिखा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दो फॉर्म हो गई, पहली टेबुलर थी जिसमें आपने एक एक चीज बखेर के रख दी सामने, दूसरा वो था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, आपने बयान कर दिया। तीसरी ये फॉर्म आपने लिखा है ए इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर विच लाइज बिटवीन 1 and 10, ये एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से लेके एन इज लेस देन और इक्वल टू 10 तक है, तो नेचुरल नंबर 1 से 10 तक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अच्छा इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ना भी आदम तो मैं इसे 0 कर दूं, इसे क्या करूं इसे 11 कर दूं, तो वो नेचुरल नंबर जो 0 से बड़े हैं 11 से छोटे हैं तब भी यही आ जाएगा। तो ये तीसरी फॉर्म है, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ये बहुत कॉमन यूज होती है, हर जगह बार बार ये यूज होगी। अब मैं एक और डेफिनेशन बीच में से रह गई है वो मैं थोड़ी सी बता दूं, ये आपके 1 से 10 तक नंबर है, मैं कहता हूं दिस इज द यूनिवर्सल सेट, मेरे पास कुछ चीजें हैं कुल चीजों की तादाद 10 है, टोटल 10 हो गए, ये आपकी क्लास है, ये मैं कहता हूं ये आपकी क्लास, इधर लड़के बैठे हैं इधर लड़कियां बैठी हैं, ये सी था, ठीक है इस हिस्से को मैं ए नाम दे देता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, सॉरी यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास, इसके हिस्से को मैं ए नाम दे देता हूँ, बाकी यही सब बच गया, चुनाचे दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई ए डैश। अगर इस हिस्से को मैं बी नाम दूं तो ये क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये इसी तरह मैं कहता हूं ए में से, ए यूनिवर्सल सेट है, ए को मैं यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेता हूं, तो मैं कहता हूं ए या मैं कोई सेट नाम दूसरा ले लू, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, ये 10 चीजों का सेट है यूनिवर्सल सेट, पहली 3 चीजें एक्स उनका नाम है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है ना दिस इज इक्वल टू 4 5 6 up to 10, द रिमेनिंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो x का कॉम्प्लीमेंट x डैश होगा और x डैश का कॉम्प्लीमेंट x डैश का फिर कॉम्प्लीमेंट लें तो x इटसेल्फ आ जाएगा। और एक और याद रखें, x और x डैश की यूनियन जो होती है ना ये हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगी, इन दोनों की यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगी। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which are not in a set A, universal set under consideration है, तो you know set of those elements which are not in a set A are called complement of A, right? ये अभी मैंने 3 definition दी, union, set of those elements which are in a set A or in a set B, या A में हो या दो, यानी दोनों में से किसी में भी आ या दोनों में भी आए वो उसमें आ जाए, तो set of those elements which are in A और इन बी इज कॉल्ड यूनियन, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड इन बी कंपल्शन है लाजमी, जहां कंपल्शन आ जाए वहां एंड आता है, जहां शक वाली बात हो के होगा कि नहीं वहां और आता है, तो इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में होना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स
विच आर इन बोथ द सेट्स विच आर कॉमन. तीसरी मैंने डेफिनेशन दी है कॉम्प्लीमेंट की, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन अ सेट. ए चनाचे सेट बिल्डर फॉर्म में हम आगे जितना मैथ करते हैं ना सेट थ्योरी में, वो सारा सेट बिल्डर फॉर्म पे बेस करता है. हम पहले मैट्रिक में या कहीं वो डायग्राम्स वेन डायग्राम उसे कहते हैं बना बना के, ये एक सेट है ठीक है जी, ये दूसरा सेट है, सारा यूनियन बन गया और ये दरमियान वाला इंटरसेक्शन हो गया. हम इस तरह शो करते थे, दीज आर वेन डायग्राम. अब वो पुराना दौर था, हम उसे नहीं इस्तेमाल करते. हम अब सारा सेट बिल्डर फॉर्म, तो इन सेट बिल्डर फॉर्म आप यूनियन ले, आप कहते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स. कोई एक्स जनरल एलिमेंट है, सारे सेट की रिप्रेजेंटेशन करता है. साइज दैट इसे वेयर पढ़ लें, साइज दैट पढ़ लें, आपकी मर्जी है. लाइन जो है मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ माने हैं. फॉर एग्जाम्पल टू डिवाइड्स फोर, ये लाइन डिवाइड्स करने मानों में आएगी. लेकिन यहाँ पे वेयर या साइज दैट कुछ कह लें, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. बड़ी सिंपल सी बात, शक वाली बात है ना, पता नहीं ए में है बी में, लेकिन यूनियन में बहरहाल आ जाएगा किसी एक में भी हो. अब दूसरा इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू एक्स, एक्स जनरल एलिमेंट है, साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. ये आपके पास आ गया. और तीसरी डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट की, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सिंपल डेफिनेशन. तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये तीनों डेफिनेशन नोट कर लें, इसी अंदाज से आएंगी. ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. इंटरसेक्शन में एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. और ए कॉम्प्लीमेंट एक्स साइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. तो एक और वो किसी बात याद रखनी है, अभी फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. कोई चीज जिसमें शक वाला मसला हो वहां और आता है, जहां कंपल्शन आ जाए कि दोनों में ये चीज है एंड आता है. बड़ा सिंपल इसका फार्मूला है. अच्छा बाजुकात बस सेट होते हैं जिनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं, ये एक सेट है ये दूसरा सेट है, तो ये देखें यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स. टू सेट्स हैविंग सम कॉमन एलिमेंट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स. तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है ना जी, वो आपकी ए माइनस बी. ए माइनस बी जरा थोड़ी सी डिफरेंट चीज है. ए माइनस बी ये आपका ए है, ये आ गया वन टू थ्री, और बी जो है ये आ गया थ्री फोर. ए माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी. वो एलिमेंट जो ए में तो है बी में नहीं है. देखिए वन ए में है, ए माइनस बी आपने लिखा, वन ए में है बी में नहीं है, चलो ये आ गया इसमें. टू ए में है बी में नहीं है, ये आ गया इसमें. थ्री दोनों में है इसलिए इसे छोड़ दिया. तो ए माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी. और अगर बी माइनस ले ले तो सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट. तीन इसमें है, इसमें इसमें भी है इसलिए ये नहीं आएगा. फोर इसमें है, इसमें नहीं है, फोर आ गया. तो ए माइनस बी का मतलब है सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए विच आर इन ए बट नॉट इन बी. अब एक बड़ी मोटी सी चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ. ये मैं जो चीज एक्सप्लेन करना हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसे बड़े गौर से सुनना. मशाल आपके पास एक सेट है ए, इसके एलिमेंट हैं वन टू थ्री. यू हैव अनदर सेट बी, इट हैज एलिमेंट्स थ्री फोर. यूनियन ली आपने,
अभी हमने इसको यूनियन ली थी, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4. इंटरसेक्शन ली, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, तो दिस वाज 3. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ए यूनियन बी में 1 क्यों है. 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. दिस शोज दैट 1 यूनियन में इसलिए है कि या ए में था या बी में था या दोनों में था. दोनों हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ हम लिखेंगे दिस शोज दैट 1 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू ए में था या बी में था. ठीक है ना, आ गया. ये 1, 2, 3, 4 है. कोई पाइप से एलिमेंट में ले लेता हूं, मैं कहता हूं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. 5 तो नहीं है ना एलिमेंट, इसके एलिमेंट ही 4 है, तो क्यों नहीं आया. ये ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, और दोनों में तो उन्हें का सवाल ही पैदा नहीं होता. चनाचे कंपल्शन आ गई है कि कोई एलिमेंट यूनियन में इसलिए नहीं आता कि वो ना ए में होता है और ना ही बी में होता है. कंपल्शन है, तो जहां कंपल्शन आए हम एंड यूज करते हैं. हम कहते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए शोज दैट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी. तो इन दोनों का साथ देखें, कोई चीज हो तो दरमियान में और आता है, कोई चीज ना हो तो दरमियान में एंड आता है. फिर मैं इसे नहीं क्लियर कर लें कि कोई चीज है किसी में है, ए में है या बी में है, वो इसमें आ जाएगी. लेकिन ऐसी चीज जो नहीं आई इसमें, वो यकीनन दोनों में नहीं होगी, ना वो ए में भी नहीं होगी और बी में भी नहीं होगी. 5 इसमें नहीं है यूनियन में, 5 ए में भी नहीं है और 5 बी में भी नहीं है. ठीक है, उससे आगे चले. आप कहते हैं कि 3 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी. क्यों 3 आ गया इंटरसेक्शन में? कॉमन एलिमेंट है, और कॉमन का मतलब है कि ये पहले में भी है, दूसरे में भी है, कंपल्शन है. हम लिखते हैं 3 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू बी. ये फर्क आ गया, यूनियन में कोई चीज आए और आता है, ना हो तो एंड आता है. अब मैं इस पे आता हूं, 3 जो है, ये 3 ए, 3 के अलावा इसमें 3 और एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 4. मैं कहता हूं 2 जो है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी. क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि 2 या ए में नहीं था या बी में नहीं था, इसलिए कॉमन ही निकल सका, या दोनों में नहीं था, वो हम लिखते नहीं है. तो 2 शक वाली बात है ना, पता नहीं पहले में नहीं था दूसरे में नहीं था, ये कंपल्शन नहीं है. चनाचे यहां पे क्या करेंगे और यूज करेंगे, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी. ठीक है, मैं शान ये बड़ी क्लियर कर ले. आगे एक लॉ जो मैंने करना है उसमें यही चीज यूज होगी, हमारा लास्ट टॉपिक है. तो फिर देख लें, कोई चीज यूनियन में हो और आता है, कोई चीज यूनियन में ना हो, यूनियन में ना हो तो एंड आता है, कोई चीज इंटरसेक्शन में हो तो एंड आता है, ना हो तो और आता है. शक वाली बात हो जाती है ना, तो ये बड़ा क्लियर कर लें. अब मैंने एक ला करना है, कॉम्प्लीमेंट आपको याद है, जो चीज ए में है वो एक कॉम्प्लीमेंट बनी होती है. एग्जाम्पल अभी मैंने क्लास की एग्जाम्पल दी थी, तो ये आपकी क्लास है, इस तरफ आधी बैठी है आधी इधर, जो बच्चा यहां बैठा है वो यहां नहीं बैठा. अगर इस हिस्से का नाम दे ले पूरा तो यूनियन ना, ये ए डैश हो गया. तो अगर एक्स ए में है, इसका मतलब होता है कि एक्स ए डैश में नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश. और अगर वाई ए डैश में है तो वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए. यानी इन दोनों में से एक तरफ ही आप बैठ सकते हैं, दोनों तरफ तो नहीं आप बैठ सकते. तो क्लास का एक हिस्सा ए है, दूसरा बी है. जो बच्चा ए हिस्से में बैठा है वो ए डैश में नहीं है, जो ए डैश में बैठा है वो ए में नहीं है. तो दिस इज बेसिकली दीज 3 कंसेप्ट.
कि आपने क्या याद रखना है यूनियर इंटरसेक्शन और ये कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से कि ए और ए डैश में से एक चीज में कोई चीज होगी तो एक तरफ होगी, दोनों में नहीं हो सकती। मैंने ये सामने दो ला लिखे हैं, कागज से भी आपको नजर आ रहे होंगे, डी मॉर्गन्स ला। इसमें पहला ला है इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इसे डिस्क्रिप्टिव अंदाज में मैं पढ़ रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, अंडरस्टैंड माई सर। और दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो सिंपल दो तीन चीज डेफिनेशन है, इससे पहले आप याद कर ले, दो सेट बराबर कब होते हैं, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए देन ए इज इक्वल टू बी, यानी एक पहले का सबसेट हो दूसरा पहले का सब। तो मैथमेटिक्स में ये ग्रुप सेट थ्योरी में जिन चीजों का आपने बराबर प्रूफ करना होता है ना, वो इसी मेथड से के एक को दूसरे का, दूसरे को पहले का सबसेट आप प्रूफ करते हैं। तो मैं अब इन दोनों में से कोई एक प्रूफ करता हूं, दूसरा देख लें, फिर उसके बाद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। एक्स अब एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सारे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट इस सेट का एलिमेंट है। हम इसे लेके आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। कोई चीज जो कॉम्प्लीमेंट में हो सेट में नहीं होती। तो चूंकि x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में था, इसलिए x a यूनियन b में नहीं है। अब a यूनियन में कोई चीज हो तो दरमियान में और आता है, ना हो तो दरमियान में एंड आता है। तो इसका मतलब ये है ये यूनियन में नहीं है, ये यकीनन किसी सेट में नहीं है, ये दोनों में नहीं है, इसलिए यूनियन में नहीं आया। फिर देख लें बात नहीं क्लियर हुई, यूनियन में दोनों दो सेट हैं, दोनों में किसी में भी कोई चीज आ जाए ना तो यूनियन का लाजमी मेंबर होती है। अब यहाँ यूनियन में नहीं आया, इसका मतलब है ये दोनों सेटों का हिस्सा नहीं था, चुनाचे वही मैंने लिखी है एक्स ए में भी नहीं है एंड एक्स बी में भी नहीं। अब ए में नहीं है तो किस में होगा, कोई चीज जो मैंने अभी बताया क्लास की एक तरफ एक बच्ची बैठी है दूसरी तरफ नहीं होगी, एक लड़का एक तरफ बैठा है दूसरी तरफ नहीं होगा, दोनों में से एक साइड पे बैठना है ना, एक ए है एक ए डैश है, जो ए में है वो ए डैश में नहीं है, जो ए डैश में है वो ए में नहीं है। अब ए में नहीं है तो किस में हो गया, दिस शोज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। कोई एलिमेंट अगर दोनों सेटों में आ जाए तो इसका मतलब है दैट इज अ कॉमन एलिमेंट, एक्स ए डैश में भी है एक्स बी डैश में भी है। क्या मतलब है, x belongs to a dash intersection b dash, इसका मतलब है x belongs to a dash intersection b dash। ठीक है भाई सर, ये बराबर हो गया x belongs to a dash
इंटरसेक्शन बी डैश, लेकिन एक्स क्या चीज है? एक्स तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट अब इसमें आ गए, तो लिखें बट एक्स इज एन आर्बिट्ररी, एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसी का है ना। तो ये सारे एलिमेंट, ये सारे इसमें आ गए। जब किसी सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में हो तो उसका क्या होता है? सबसेट। इसका मतलब है दिस शोज दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या ये एंड था ना, हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। आपने जो गौर करना है इस पे गौर करना, एक्स इसमें है कॉम्प्लीमेंट में, असल चैट में नहीं होगा। अब यूनियन में नहीं आया, दोनों में नहीं आया, मैंने इसमें भी नहीं है एंड इसमें भी नहीं। तो जो चीज ए में नहीं आई डैश में है, जो बी में नहीं है बी डैश में है, बाकी किसी को नहीं छेड़ा। अब एंड आ गया, इसका मतलब है कोई चीज ए डैश में भी है बी डैश में भी है, इस कॉमन एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन में आ गया, ठीक है। लेकिन ये तो इसका फर्जी एलिमेंट था एक्स, जो इस सारे के नुमाइंदे, इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए, तो ये इसका सबसेट हो गया। यहां तक तो आपने सोच के करना है। जो सेकंड पार्ट है ना, दैट इज सो सिंपल, ठीक है, मैं यही कर रहा हूं। कन्वर्सली अब आपने क्या करना है कि जो स्टेप यहां लिखा था आखिरी कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, आप यहां लिखते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम रिपीट होती वापस आती जाएगी चीज। जो इंटरसेक्शन में है उसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। इसका क्या मतलब है? X does not belongs to A and X does not belongs to B। यानी पहले ये लाइन लिखी है, उससे ऊपर वाली लिखी है, फिर ये लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है कि X, इसका मतलब X does not belongs to A union B। A union B में नहीं है तो दिस बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एक्स हमने इसका एलिमेंट सपोज किया था, इसमें आ गया, तो बिल्कुल उसी तरह बट एक्स इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस, देयरफॉर बट एक्स इज, यहां उसी तरह लिख लें बट एक्स इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये दूसरा रिलेशन आ गया, एक वन था एक टू था, तो बाई वन एंड टू आप कह दें बाई वन एंड टू, आखिर पे आपने सिंपल उसी को रिपीट कर देना है कि बाई वन एंड टू ये दो रिलेशन जो आपने निकाले हैं, ये वन था और वो टू था, ये शायद नजर आ रहे हैं, एक वन था ये वाला और वो टू है, बाई वन एंड टू दोनों को इकट्ठा करें तो हमारा सिंपल मसला सॉल्व हो गया कि दैट बिकम्स इक्वल टू। जी माय सन, को बात नहीं समझ आई तो फिर देखें। तो दिस इज द एंड ऑफ आज सेट थ्योरी, में इतनी आपको बताऊंगा, इसे आप देखें। मैंने कहा था कि उसके नीचे को कमेंट दे सके तो नीचे दे दें, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैंने ऑलमोस्ट सारों के नंबर किए हुए हैं, वो मैं और भी उसे रिफाइन करता हूँ ताकि डायरेक्ट, तो डायरेक्ट यू मे टॉक टू मी एनी टाइम माय सन, यू वी हैव गॉट अ रिलेशन, डोंट माइंड। जाते जाते एक वाक्य सुना दूं, इंसान को अच्छे काम नेकी के काम करने चाहिए, रब्बुल इज्जत उसका अजर भी देता है और वैसे इंसान के अंदर से एक प्लेयर। तो सिंध के एक फकीर का वाक्य, वो हर वक्त इबादत लगा होता था, तो वो अपने रूटीन में इबादत कर रहा था, आधी रात का वक्त था, सख्त सर्दी बुरा हाल था, उसकी फटी पुरानी झोंपड़ी
पूरी तरह एयर कंडीशन थी, इधर से हवा आ रही है उधर से निकल रही है। तो उसकी बूढ़ी माँ का बुरा हाल था। आधी रात के बाद उसे पता नहीं क्या माँ का ख्याल आया, उसे कहा नवी बेटा मेरा एक काम कर दो। उसने बड़ा खुश होकर कहा माँ हुक्म कर, मैं तो पैदा ही इसलिए हूँ कि तेरी सेवा करूँ। उसने कहा नहीं तुमने ये काम कर रहा। उसने कहा बताओ तो सही काम। उसने कहा तू अल्लाह की बड़ी इबादत करता, उसकी बड़ी सारा सवा शाम उसकी सना करता है, वो तुझसे यकीनन खुश होना चाहिए, तो अगर तू उससे मेरा एक काम कह देना तो मेरा काम हो जाएगा। बड़ा खुश हुआ, कहता माँ तेरी दुआएं साथ हैं तो अल्लाह मेरी बात सुनेगा, बता क्या काम है। उसने कहा बेटा देखो कितनी सर्दी है, मेरी हड्डियां जो है ना वो इस सर्दी की वजह से चटक रही हैं, मुझे लगता है कि सुबह तक अगर यही हाल रहा तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल है, तो अपने अल्लाह से बात करो और उसे कहो कि उसके पास जहन्नम है जिसमें बड़ी आग है, बड़ी आग, थोड़ी सी आग आज ही रात हमें दे दे, हम यहाँ आग रखें थोड़ी सी गर्म होकर आग जमपड़ी तो मैं शायद जिंदा रह जाऊँ, वरना मुझे उम्मीद कोई नहीं लगती। वो हंसने लगा, उसने माँ बड़ी शादी हो तो किसने तुम्हें कहा कि दोजख में आग है? कहा कहना किसने, मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, अपने बचपन से लेके आज तक हर बंदा यही कहता है जहन्नम में आग ही आग। उसने कहा नहीं माँ जहन्नम में बिल्कुल कोई आग नहीं, आग दुनिया में है, हर शख्स अपने अपने हिस्से की आग यहाँ से समेत के साथ लेके जाता है, जहन्नम में कोई आग नहीं, आग दुनिया पे है जितनी मर्जी आप इकट्ठी कर। तो मैसन कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें बेहतर अंदाज दे और बेहतर ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी दे, हौसला भी दे, और हम अपने साथ नेकियां लेके जाएं। अल्लाह हाफिज़।